पहाड़ी उत्तराखंड के चैनल में आपका स्वागत है। आइए जुड़िए उत्तराखंड की समस्याओं की। नमस्कार, पहाड़ी उत्तराखंडी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जो हमारी उत्तराखंड सरकार है वो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार को सौंपने का विचार कर रही है। मंत्रालय ने, कैबिनेट ने एक प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजा और कहा है कि अब इसको केंद्र सरकार अपने अधीन ले ले, क्योंकि राज्य सरकार इसका बोझ उठाने में अब सक्षम नहीं है। एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ साथ एक पैरेलल एक बहुत लोग इसके विरोध में उठ खड़े हुए हैं। विरोध में कौन लोग उठ खड़े हुए हैं? बहुत लोगों की ये धारणा है कि इससे जो हमारे स्थानीय युवा हैं, जो स्थानीय हमारे बच्चे हैं, उनको इसका बहुत नुकसान हुआ। अब इसमें है क्या, मान लो अगर 70 में से 50 सीटें हमारे बच्चों के लिए हैं, तो 70 में से अगर सरकार बाकी सीटें बढ़ा रही है तो 30 सीटें करके 100 कर रही, तो 50 सीटें हमारी रहेंगी रहेंगी। चाहे तो जो सीटें बढ़ा रही है उसमें से केंद्र सरकार कुछ और कर सकती है, बाकी के लिए वो एक ओपन नेशनल लेवल का कंपटीशन होगा, जिसमें आप सबको पता होगा पहले जो 20 साल पहले जब यहाँ पर उत्तराखंड बनने से पहले यूपी के अधीन में था, आपको याद होगा, मैंने खुद देखा अपनी आँखों से, पूरे भारतवर्ष से बढ़िया बढ़िया उसमें साउथ के, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे यहाँ पर आते थे और एक बहुत बड़ी कंपटीशन की भावना थी। पूरा पंतनगर ठसाठस भरा रहता था। फैकल्टी में कोई कमी नहीं है, फैकल्टी पहले भी सक्षम थी, आज भी सक्षम है, लेकिन जब से ये स्थानीय खाली उत्तराखंड लेवल का संस्थान बन के रह गया है, यहाँ पर कंपटीशन आपस के लोगों में ही है, तो इससे जो है जो नेशनल लेवल का जो कंपटीशन होता था पहले वो ख़त्म हो गया था। एक स्टेट लेवल का कंपटीशन बिल्कुल नहीं, इसलिए हमको वो प्रोफेशनल लोग नहीं मिल पा रहे जो पहले मिला करते थे। पहले हमें मॉन्सांटो है, ITC है और डूपॉन्ट है और भी बहुत सी जो GMP पर जो कंपनियां काम करती थी उस पे हमारे बच्चों का पंतनगर से सीधे सीधे सिलेक्शन बड़े अच्छे अच्छे पैकेज में होता था। पंतनगर के तब के बच्चे जो हैं कई जगह विदेशों में हैं और ICR की लैब में, तमाम इतनी लैबों में आपको साइंटिस्ट मिलेंगे जो प्रधान साइंटिस्ट तक बन गए, आज DG लेवल तक वो लोग जा चुके हैं, कई पंतनगर से गए हुए लोग हैं। पंतनगर निश्चित रूप से पिछले 8-10 साल में पंतनगर का जो स्तर है वो रैंकिंग है पिछड़ी है, जहाँ तक भारत के लेवल पर रैंकिंग का सवाल है, जबकि सारे लोगों ही इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे आज भी कोई कमी नहीं है। तो इससे हम लोगों की एक हम लोग राजनीतिक दलों की अज्ञानता के कारण एक भ्रम पैदा हो रहा है। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि जो उत्तराखंड जो हरित क्रांति का जनक माना जाता था अपने गौरव को पुनः प्राप्त करे, तो सरकार के इस फैसले के समर्थन में आ गया है। इससे एक समानता भी रहेगी हमारी दोनों क्षेत्रों में, दोनों रीजन में एक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा। वहाँ पर SNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर पंतनगर को दर्जा मिल जाए, और जो कि मिलना भी चाहिए। जो विद्यार्थी तब हुआ करते थे उच्च कोटि का जो शिक्षण देखने में मिलता था, हालांकि अगर विद्यार्थी अगर सक्षम होंगे तो हमारी जो फैकल्टी है वो पढ़ाने में कहीं कोई गुरेज करेगी नहीं। हमारी फैकल्टी जो पंतनगर की फैकल्टी अभी भी कई जगह विश्वविद्यालयों में BC वगैरह और अन्य उच्च पदों पर अभी भी हो जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे वो कंपटीशन लेवल में अब नहीं आ पा रहे, सिर्फ स्टेट लेवल की नौकरियों तक वो लोग सीमित रह गए हैं। अगर आप चाहते हो हमारे बच्चे, जैसे अब मैं उदाहरण दे नीरज चोपड़ा का, नीरज चोपड़ा कैसे गोल्ड मेडल लिया, ये अभिनव बिंद्रा ने जब हमको गोल्ड मेडल दिलाया बहुत सालों बाद एक व्यक्तिगत स्पर्धा का, तो हमारे बच्चों के, हमारे खिलाड़ी के अंदर ओलंपिक के लिए भी एक ललक पैदा हुई, जिस कारण नीरज चोपड़ा, ये रवि दहिया जैसे अन्य कई लोग खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में मेडल जीतना शुरू किया। तो वही भाव अगर हम दोबारा पंतनगर को चाहते हैं एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान दोबारा बनाना, वो गौरव अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो उसका केंद्रीय विद्यालय बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बाकी आप सब लोग कोई तर्क वितर्क करना चाहते हैं इस विषय पर तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ मैं आपके साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पर चर्चा करने को तैयार हूँ। इससे हमारे क्षेत्रीय हितों को या हमारे बच्चों को कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बाकायदा उनको एक राष्ट्रीय लेवल का एक उनको कंपटीशन उनको मिलेगा, जिससे उनकी प्रतिभा में और निखार आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ।